Good morning to all. We are starting a new head of income, that is capital gains. What is capital gain? Capital gain is gain on transfer of capital asset. अगर आप कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो उसपे जो प्रॉफिट होगा उसी को क्या कहा जाता है? कैपिटल गेन. ठीक है, तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज ट्रांसफर एंड द अदर इज कैपिटल एसेट. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कैपिटल गेन तभी अराइज होगा जब आपके पास एक कैपिटल एसेट हो. आपके पास क्या हो? एक कैपिटल एसेट हो जिसका आपने क्या किया हो? ट्रांसफर किया हो. इफ यू हैव अ कैपिटल एसेट और आपने उसका ट्रांसफर कर दिया तो आपको क्या अराइज करेगा? कैपिटल गेन. व्हाट इज कैपिटल एसेट? कैपिटल एसेट किसे कहते हैं? कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी. हालांकि जब हम प्रोसीड करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि कैपिटल एसेट किसे कहा जाता है. एक बार ऊपर ऊपर से आइडिया लेते हैं तो कैपिटल एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी. अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आपने उसका क्या किया हो? ट्रांसफर किया हो. ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है एसेट का आपके पास से जाना. ठीक है, ट्रांसफर की वाइडर डेफिनेशन दी गई है. ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर होता है सेल. ठीक है, बेच देना, ये ट्रांसफर है. एक्सचेंज कर लेना, प्रॉपर्टी को दे के कोई दूसरी प्रॉपर्टी ले लेना या कुछ और ले लेना, यह भी क्या है? ट्रांसफर है. गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है. पता है क्यों गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया? क्योंकि गवर्नमेंट को वहां पे कोई काम करना था. ठीक है, और आपकी लैंड बीच में गवर्नमेंट के उस प्रोजेक्ट को क्या कर रही थी? डिस्टर्ब कर रही थी. तो गवर्नमेंट ने आपकी जमीन को भी कंपल्सरी एक्वायर कर लिया. ये भी क्या है? ट्रांसफर. तो ट्रांसफर की भी एक वाइडर डेफिनेशन है जिसमें ट्रांसफर में क्या कहा गया है? एसेट का आपके पास से चला जाना क्या है? ट्रांसफर. अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी है और वो आपके पास से चली जाती है तो क्या अराइज होता है ऐसे केस में? कैपिटल गेन. ठीक है, अगर आपके पास एक एसेट है, अगर आपके पास एक एसेट है और वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होती है. आपके पास एक एसेट है, प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन कैपिटल एसेट की दी है वो उसमें कवर नहीं होती है और उस एसेट को आपने क्या किया है? ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा? नहीं. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक कैपिटल एसेट है और आपके पास से वो चली जाती है, लेकिन वो चले जाना ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होता. जो भी वो ऐसे गई है, जिस भी तरीके से गई है, वो तरीका ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं होता, तो क्या कैपिटल गेन अराइज करेगा? नहीं. तो कैपिटल गेन अराइज करने के लिए दोनों चीज होनी चाहिए. आपके पास कैपिटल एसेट होना चाहिए और आपके पास से एसेट का चला जाना ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर होना चाहिए. ठीक है, बताइए आपके पास एक प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर नहीं करती है, तो एसएससी के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? आपके पास एक प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में उस प्रॉपर्टी को कवर नहीं किया है, तो एसएससी को, टैक्स पेयर को यह बात अच्छी लगेगी कि बुरी लगेगी? बोलिए, अच्छी लगेगी. अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में मेरी प्रॉपर्टी कवर नहीं होती है, यानी बेच देने पर कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. ठीक है, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, लेकिन आपने जिस तरीके से ट्रांसफर किया है वो गवर्नमेंट की ट्रांसफर वाली डेफिनेशन में कवर नहीं होती है, तो एसएससी को कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा. अगर गवर्नमेंट की ट्रांसफर की डेफिनेशन आपके एसेट के चले जाने को कवर नहीं करता है तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा. ठीक है, यानी हम ट्रैप कब होंगी कैपिटल गेन के लिए? व्हेन एन एसएससी इज ट्रैप्ड फॉर कैपिटल गेन, जब उसके पास कैपिटल एसेट है और साथ ही साथ उसका ट्रांसफर हुआ है. ठीक है, इनफैक्ट कैपिटल गेन चैप्टर में बहुत बड़ा हिस्सा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन और ट्रांसफर की डेफिनेशन है, तो हम लोग को बहुत टाइम डिवोट करेंगे जब हम लोग कैपिटल एसेट को समझेंगे और ट्रांसफर को समझेंगे. जब कैपिटल गेन अराइज कर जाएगा तो उसके बाद भी दो बातें होंगी. ये कैपिटल गेन या तो एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 और या फिर ये टैक्सेबल होगा.
ठीक है, अगर कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10, तो आपको अब कुछ नहीं करना, सिंस वो एग्जेम्प्ट इनकम है तो कोई टैक्सेबिलिटी अराइज होती ही नहीं। यानी आपके पास कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर हुआ है, तो भी चांसेस है टैक्स ना देना पड़े, ये बात समझा रहे हैं। आपके पास कैपिटल एसेट है, तो आपके पास एक कैपिटल एसेट है और आपने उसका ट्रांसफर किया है, तो कैपिटल गेन अराइज हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये कैपिटल गेन जो अराइज हुआ है वो टैक्सेबल हो, ऐसा भी हो सकता है कि ये कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो अंडर सेक्शन 10। यानी इफ यू हैव अ कैपिटल एसेट और आपने उसका ट्रांसफर किया है, तो भी ऐसी चांसेस हैं कि कैपिटल गेन टैक्स पे ना करना पड़े। अगर कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है तो फर्दर, अब वो दो ऑप्शन क्या है, एग्जिम्पशन अंडर सेक्शन 54 कॉमा डॉट डॉट डॉट। अगर कैपिटल गेन टैक्सेबल है तो फर्दर आपको एग्जिम्पशन मिल सकती है सेक्शन 54 में, या फिर 54 के जितने भाई बहन वाले सेक्शन है उसमें, 54 के साथ ही और भी 54 के कई सारे सेक्शन है, 54 बी है, 54 डी है, 54 ई सी है, 54 डबल ई है, 54 एफ है, 54 जी ए है, जी बी है, इतने सारे और सेक्शन है जिनमें क्या मिलता है, एग्जिम्पशन मिलती है। ठीक है, तो वो सब सेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे जिसमें आपको एग्जिम्पशन मिलेगी, और ये एग्जिम्पशन होती है इन्वेस्टमेंट बेस्ड। गवर्नमेंट कहती है कि जो पैसा आपका खाली हुआ है कैपिटल एसेट को बेच के, उस पैसे को यहां 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 इन्वेस्ट कर दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, एग्जिम्पशन दे देंगे सेक्शन 54 के तहत। ठीक है, या फिर आपको एग्जिम्पशन नहीं मिलेगी, नो एग्जिम्पशन, अगर एग्जिम्पशन मिलेगी तो अगेन दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या बातें हो सकती हैं, या तो एग्जिम्पशन टोटल मिलेगी या फिर पार्शियल मिलेगी। टोटल एग्जिम्पशन का मतलब यह हुआ कि कैपिटल गेन जितना आ रहा है उतना पूरा एग्जिम्पशन है, पार्शियल एग्जिम्पशन का मतलब है अमाउंट ऑफ कैपिटल, सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट एंड द बैलेंस इज टैक्सेबल। इन केस पार्शियल एग्जिम्पशन मिलता है या फिर नो एग्जिम्पशन मिलता है, तो अब आप कंप्यूट करते हैं टैक्स। और यहीं पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, कुल मिला के उसकी समरी है इस पूरे कैपिटल गेन की। आइए फिर से देखते हैं कैपिटल गेन किस तरीके से हमें पढ़ना है। आपको देखना है कैपिटल एसेट क्या होता है। अगर एक कैपिटल एसेट है और वो आपके पास से चला जाता है, तो चले जाने को क्या कहा जाता है, ट्रांसफर होना। अगर आपके पास एक कैपिटल एसेट है उसका ट्रांसफर हो गया है, तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। अगर कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा तो जरूरी नहीं है टैक्स देना पड़े, हो सकता है आपका वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो अंडर सेक्शन 10। लेकिन अगर एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है, तो आप क्या करेंगे, अगर टैक्सेबल है तो यहां पे हम कंप्यूट करते हैं कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं। अगर एग्जेम्प्ट होता है तो कैपिटल गेन कंप्यूट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कैपिटल एसेट है, उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन वो कैपिटल गेन क्या है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10, तो यू नीड नॉट कंप्यूट कैपिटल गेन। जरूरत क्या है, अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो यू नीड नॉट कंप्यूट इट, राइट। लेकिन अगर वो टैक्सेबल है तो यू नीड टू कंप्यूट कैपिटल गेन। अगर आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेते हैं तो उसके बाद फर्दर दो बातें होंगी, हो सकता है आपको एग्जेम्प्शन मिलता है सेक्शन 54 में या फिर नहीं मिलता है। 54 में एग्जेम्प्शन किस बात का मिलता है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जेम्प्शन, ठीक है। यह टोटल भी हो सकता है, अगर टोटल एग्जेम्प्शन हो गई तो अब टैक्स कंप्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। गेन तो कंप्यूट हो चुका था, लेकिन अब टैक्स कंप्यूट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर एग्जेम्पशन आपका पार्शियल है या फिर आपको एग्जेम्पशन मिला ही नहीं है, तो अब आप क्या कंप्यूट कीजिए, टैक्सेस भी कंप्यूट कीजिए, ठीक है। तो दिस इज द एंटायर समरी ऑफ कैपिटल गेन। आइए प्रोसीड करते हैं कैपिटल गेन्स। सबसे पहला सेक्शन किसी भी हेड ऑफ इनकम में होता है चार्जेबिलिटी सेक्शन, एंड द सेम वे यहां पर भी चार्जिंग सेक्शन जो है इसका वो क्या है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। क्या बोलता है ये सेक्शन, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और हमने आपको बताया कि यही दो चीज इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर होना चाहिए किसका,
कैपिटल एसेट का एफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स, एफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन। आइए इस बात का मतलब समझिए। आपने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर तो यहां किया है, ठीक है, यहां पे बेसिकली सौदा हो गया कि हम ये प्रॉपर्टी आपको 10 लाख रुपए में दे रहे हैं और आपने प्रॉपर्टी दे भी दी, ट्रांसफर भी कर दिया 10 लाख रुपए में। लेकिन पता है वो 10 लाख रुपए आपको मिले कब है? कंसिडरेशन रिसीव हुआ है 18-19 में, कंसिडरेशन यहां पर रिसीव हुआ है। कंसिडरेशन कितना रिसीव हुआ है चलिए बताएं आपको, 10 लाख रुपए। कैपिटल गेन पता है कैसे निकलता है? जो भी सेल कंसिडरेशन होती है उसमें से कॉस्ट आपको माइनस करना होता है। कैपिटल एसेट जितने में आपने खरीदा था वो कॉस्ट माइनस कीजिए। से फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वाज 4 लाख रुपीस, तो 6 लाख रुपए का आपको क्या हुआ है? कैपिटल गेन। नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 6 लाख रुपए का कैपिटल गेन कौन से ईयर की इनकम है, कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम है, किस प्रीवियस ईयर में इस पर टैक्स देना है। हमने प्रॉपर्टी पता है कब दी है? 17-18 में। हालांकि ये पैसा 10 लाख रुपए रिसीव कब हुआ है पार्टी से हमें? 18-19 में। तो ये कैपिटल गेन कौन से साल का है, 17-18 का या 18-19 का? किस साल हमें टैक्स देना है इस पे? या सोच के बोलिएगा, 17-18 में अगर आप कहेंगे तो उसके लिए हम एक बात बता दें, 17-18 में एक रुपया मेरे पास नहीं आया है क्या सरकार को टैक्स दे दें हम? गेन हो गया 6 लाख रुपया और जो भी इसका टैक्सेस बनता है निकाल के दे दे, जबकि मेरे पास आया एक रुपया भी नहीं है। तो ये इनकम कब की है, 17-18 की या 18-19 प्रीवियस ईयर की? आइए पढ़ा देते हैं आपको। Any profit or gain arising from transfer of capital asset affected in the previous year shall be chargeable to income tax under the head capital gain. कहता है transfer of capital asset अगर affect होता है previous year में तो वो chargeable to income tax हो जाएगा। आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपको पैसे मिले हैं कि नहीं। कहता है दो चीजें important है capital gain के लिए, पैसा आना important नहीं है। कह रहा है capital asset होना important है, उसका transfer होना important है। ये दोनों चीजें जिस previous year में हुई है उसी previous year में income आ जाएगी। बताइए अब मेरे एग्जाम्पल में ये कौन से प्रीवियस ईयर की इनकम है, 6 लाख रुपया प्रीवियस ईयर 17-18, ठीक है। तो यू रिमेंबर देयर आर टू थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर कैपिटल गेन, वन इज कैपिटल एसेट एंड द अदर इज ट्रांसफर। देयर इज नथिंग टू डू विद सेल कंसिडरेशन। सबसे ज्यादा फोकस यहीं पे जाता है बच्चों का कि पैसे कब आए हैं, पैसे कब आए हैं इस बात से मतलब नहीं है, आए हैं कि नहीं आए इस बात से भी मतलब नहीं है। आइए अब आपको बता दें कि जब हम लोग कैपिटल गेन प्रोसीड करेंगे तो तीन जगह पे ऐसी बात आएगी कि पैसा आएगा तभी कैपिटल गेन अराइज होगा। बेसिकली पैसा आएगा तभी आपको टैक्सेस देना होगा। कितनी जगह पे ऐसा होगा? तीन जगह पे। पूरे कैपिटल गेन चैप्टर में तीन जगह पे ऐसी बात आएगी कि जब आपके पास पैसे आएंगे तभी आपको सरकार को क्या देना है? टैक्सेस देना है, ठीक है। और वो तीनों बातें अलग अलग जगह पे आएंगी, हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे, हो सकता है तीन डिफरेंट क्लासेस में ये तीन बातें आए, ठीक है। तो आप ये बात नोट करते जाएंगे, पहली बात जब आएगी तो उसी समय नोट कर लेंगे, फिर दूसरी बात आएगी तो फिर नोट कर लेंगे, और तीसरी बात आएगी तो फिर नोट कर लेंगे, और एक जगह वो तीनों पॉइंट आ जाना चाहिए आपका कि जब कंसिडरेशन रिसीव होता है तभी कैपिटल गेन अराइज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कीजिए, कैपिटल गेन अराइज होता है इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, बट तीन सिचुएशन ऐसी है जहां पर ईयर ऑफ ट्रांसफर नहीं, वहां पर क्या है? ईयर ऑफ कंसिडरेशन रिसीट, ठीक है। शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन अनलेस सच कैपिटल गेन, अनलेस सच कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 54। अगर वो एग्जेम्प्ट नहीं है तब चार्जेबल टू टैक्स होगा, अगर वो एग्जेम्प्शन मिल गई उस पर तो फिर चार्जेबल टू टैक्स नहीं है। एग्जेम्प्शन कहां मिल सकती है? अंडर सेक्शन 54 बी डी ई सी डबल ई एफ जी जी ए जी वी, ठीक है। अभी रहने दीजिए, अभी बस इतना याद कीजिए, 54 और 54 के भाई बहन, ठीक है।
जब पहुंचेंगे तो पूरा सेक्शन भी आपको याद कराएंगे, क्योंकि हर सेक्शन में अलग अलग इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए उस पर्टिकुलर सेक्शन में क्या मिलती है एग्जेम्पशन। तो एग्जाम में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करता है कि आपने ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको कोट करना पड़ता है कि इस सेक्शन के तहत हम एग्जेम्पशन क्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो यू विल हैव टू रिमेंबर 54 बी डी देन ईसी डबल ई एफ जी जी ए जी बी, राइट। कितने सेक्शन है टोटल देख लीजिए, 3, 3, 6 और 3, 9। याद रखिएगा टोटल 9 एग्जेम्पशन होते हैं 54 वाले। आइए, द एसेंशियल कंडीशन फॉर टैक्सिंग कैपिटल गेन, देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट। आपके पास एक कैपिटल एसेट होनी चाहिए, और दूसरी बात, सच कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। अब सबसे पहली डेफिनेशन पे आ रहे हैं, कैपिटल एसेट। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 में दी गई है। हालांकि कैपिटल गेन जो मेरा स्टार्ट होता है वो पता है कहां से स्टार्ट होता है, सेक्शन 45 से। ठीक है, तो बहुत सारी जो डेफिनेशंस होती हैं वो पता है हर एक्ट के सेक्शन 2 में होती हैं। ठीक है, किसी भी एक्ट की अगर हम बात करें, जैसे कंपनीज एक्ट की भी बात करें, तो उसमें जो डेफिनेशंस दी गई है वो पता है कहां दी गई है, सेक्शन 2 में। ठीक है, तो यहां पे भी कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 में है, सबसेक्शन 14। तो याद करिए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है, और क्या है वो डेफिनेशन। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसएससी इज कैपिटल एसेट, वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बिजनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है या फिर उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड कैपिटल एसेट होता है। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड है या फिर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है वो क्या है, कहता है कैपिटल एसेट है। ठीक है, जिस घर में हम रहते हैं वो कैपिटल एसेट है, जिस ऑफिस में, जिस बिल्डिंग को हम ऑफिस की तरह अपने यूज करते हैं, अगर वो मेरी है तो वो भी क्या है, कैपिटल एसेट है। ठीक है, बी एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर FI। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन है? बेसिकली ये विदेशी कंपनियां हैं जो हमारे देश में क्या करती हैं, पैसे इन्वेस्ट करती हैं, उन्हीं को बोल रहे हैं हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। कह रहा है कोई भी सिक्योरिटी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, जो सेबी रेगुलेशन के तहत उन्होंने क्या किया है, इंडिया में इन्वेस्ट किया है। सेबी रेगुलेशन की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई भी हमारे देश में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई भी बाहरी हमारे देश में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो सेबी की गाइडलाइंस है उसके लिए, अगर वो उन गाइडलाइंस को कंप्लाई करेगा तभी हमारे देश में क्या कर सकता है, पैसे लगा सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के कहना यह चाहता है कि FIs के पास जितने भी सिक्योरिटीज हैं, ठीक है, इंडिया में जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं वो भी क्या है, कैपिटल एसेट है। बट डज नॉट इंक्लूड। अब ध्यान दीजिएगा, ये डेफिनेशन एक इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। ये डेफिनेशन पता है कैसी है, क्या कैपिटल एसेट नहीं होता है यह बताया जा रहा है, और जो कैपिटल एसेट नहीं होता है वो क्या होता है, कैपिटल एसेट होता है। जो भी कैपिटल एसेट नहीं है उस डेफिनेशन से जो भी चीज बाहर हो गई वो क्या है, कैपिटल एसेट है। तो आपको यहां पे डेफिनेशन हम इस बात की नहीं बता रहे हैं कि व्हाट इज कैपिटल एसेट, डेफिनेशन ये है कि क्या कैपिटल एसेट नहीं है, व्हाट इट डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा, बट इट डज नॉट इंक्लूड, अगर पता चले कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता है तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, आप टैक्स पेयर हो। अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, नीचे लिखा है वो बट डज नॉट इंक्लूड में, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो कैपिटल एसेट नहीं है और उसका ट्रांसफर भी हो गया तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कोई चीज परचेज की हुई है, वो कैपिटल एसेट नहीं है, और उसको 10 लाख रुपए में बेच दिया तो 9 लाख रुपए कैपिटल गेन है, नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्प फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस। क्या क्या, एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल।
देखिए रॉ मटेरियल और स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है WIP फिनिश गुड्स, यानी कुल मिला के हो गया रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स और कंज्यूमेबल स्टोर्स। व्हाट इज कंज्यूमेबल स्टोर्स? वो चीजें जो प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाती है, वो मटेरियल जो प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाती है। जैसे रॉ मटेरियल को हीट करने के लिए हम कोयला यूज करते हैं, तो कोयला क्या है? कंज्यूमेबल्स। रॉ मटेरियल को हीट करने के लिए हीट प्रोड्यूस करते हैं कैसे? कोयले को जला के, तो कोयला क्या है? कंज्यूमेबल्स। तो कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स, कुल मिला के सबको क्या बोला जाता है? इन सब का किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? इन सबको कुल मिला के बोलना हो तो क्या बोलेंगे? कंज्यूमेबल्स, रॉ मटेरियल, WIP फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री। ठीक है, कुल मिला के पॉइंट नंबर वन कहता है इन्वेंट्री हेल्प फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन इज नॉट कैपिटल एसेट। यानी 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री को आप 10 लाख रुपए में बेच दीजिए, क्या 9 लाख रुपए कैपिटल गेन है? नहीं। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है? इन्वेंट्री को अगर आप बेचेंगे फायदा होगा तो कैपिटल गेन में नहीं डाल रही है, क्यों? लेना तो चाहिए ना टैक्स, लेकिन क्या ये बताइए इन्वेंट्री बिजनेस की है वो कैपिटल एसेट नहीं है? यानी 1 लाख की इन्वेंट्री को 5 लाख रुपए में बेच दीजिए, कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि वो कैपिटल एसेट ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है, ठीक कह रही है गवर्नमेंट? क्यों ठीक कह रही है? क्योंकि आप अगर इन्वेंट्री को महंगे में बेचेंगे तो वो इनकम ऑलरेडी आ चुकी है कहां पे? PGBP में, वो ऑलरेडी बिजनेस की इनकम है, तो गवर्नमेंट उसे कैपिटल एसेट बोल के फिर से कैपिटल गेन थोड़ी ना बना देगी। ठीक है, 100 रुपए की इन्वेंट्री को आप 110 रुपए में बेचते हैं तो ये कौन सी इनकम है? PGBP की। क्लियर है? यानी पॉइंट नंबर वन से कोई फायदा नहीं हुआ। हमने आपको ये बताया था बट इट डज नॉट इंक्लूड में जो भी चीजें आएंगी वो फायदा देंगी, लेकिन यहां कोई फायदा नहीं दिखा आपको। आइए आगे बढ़ते हैं, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट। लेकिन पहले हम आपको सिर्फ समझाते हैं पर्सनल इफेक्ट क्या होता है। पर्सनल इफेक्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन टू कैपिटल एसेट, यानी पर्सनल इफेक्ट बेचने पे जो फायदा होगा उस पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। व्हाट इज पर्सनल इफेक्ट? जिन चीजों को आप पर्सनली यूज करते हैं उसे कहा जाता है पर्सनल इफेक्ट। ठीक है, आप क्या क्या चीजें पर्सनली यूज कर रहे हैं? आपके घर पे डाइनिंग टेबल है वो आपका पर्सनल इफेक्ट है, सोफा सेट है पर्सनल इफेक्ट है, टीवी है पर्सनल इफेक्ट है, जिन चीजों को आप पर्सनली यूज करते हैं ठीक है वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। आपका बेड आपका पर्सनल इफेक्ट है, आपकी स्कूटी बाइक जिसको आप यूज करते हैं आने जाने के लिए वो आपका पर्सनल इफेक्ट है। कार अगर पर्सनली आप यूज करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं तब की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनली यूज करते हैं तो वो क्या है? आपका पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, आप जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। ठीक है, आपने जो शूज पहन रखा है वो भी क्या है? पर्सनल इफेक्ट है। जिन चीजों को आप पर्सनली यूज करते हैं वो आपका पर्सनल इफेक्ट होता है। और गवर्नमेंट कह रही है कि अगर इसको आपने ट्रांसफर किया है तो कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा क्योंकि ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। बताइए फायदे की बात है या नहीं है? बोलिए, है? बोलना पड़ेगा, बिना बोले फिर मजा नहीं आएगा। बोलिए फायदे की बात है? चलिए आइए समझते हैं कि फायदे की बात है कि नहीं है। आप सबका मानना है कि यह फायदे की बात है। मेरे घर में जो सोफा सेट है वो पता है कितने का है? 1 लाख रुपए का। हम उसे बेचने जा रहे हैं, कितने का बिकेगा? 1 लाख से ज्यादा का बेच लेंगे? सवाल ही नहीं उठता। 1 लाख रुपए का सोफा सेट अगर घर में लगाए बेचने जा रहे हैं, हो सकता है 10,000 रुपए में बिक रहा है, 90,000 रुपए का घाटा हो जाएगा। और इनकम टैक्स में इनकम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। अगर गवर्नमेंट पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल एसेट कह देती तो पर्सनल इफेक्ट को बेचने में हर कोई को घाटा होता और गवर्नमेंट को वो घाटा मानना पड़ जाता। गवर्नमेंट चला के करिए पर्सनल इफेक्ट बेच के कौन कमा लेगा? ठीक है, उसे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दो। गवर्नमेंट ने आपको फायदा नहीं दिया है, नुकसान दिया है। पर्सनल इफेक्ट बेच के कोई कमा थोड़ी ना सकता है। कोई एक चीज जो आप पर्सनली यूज करते हैं और वो फायदे में बिक जाएगी, बता दीजिए। आपका सोफा सेट महंगे में बिक सकता है? नहीं। आप घर में कार यूज कर रहे हैं, महंगे में बिक सकती है? नहीं। क्या चीज बिकेगा? टीवी बिक जाएगा महंगे में? नहीं। जो आप शर्ट पहने हुए हैं वो महंगे में बिक जाएगा? नहीं। यानी कोई भी चीज जो आप पर्सनली यूज कर रहे हैं वो आप महंगे में बेच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी बड़ी चालाक है, कहती है पर्सनली आप जिसे यूज कर रहे हैं पर्सनल इफेक्ट अगर वो है तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है।
आप पर्सनली यूज कर रहे हैं अपना घर, अपनी जमीन, ठीक है, क्या वो महंगे में बिक सकती है? हाउस आपका महंगे में बिक सकता है? 50 लाख का बनवाया था, 1 करोड़ में बिक रहा है, पॉसिबल है? है पॉसिबल। तो गवर्नमेंट भी कह रही है कि हम मूवेबल पर्सनल एसेट की बात कर रहे हैं, इमूवेबल की बात नहीं कर रहे हैं। यानी इमूवेबल अगर आपका पर्सनल एसेट है तो वो कैपिटल एसेट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कह रही है? मूवेबल पर्सनल एसेट। एंड व्हाट इज मूवेबल? एवरीथिंग इज मूवेबल अदर देन टू थिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बस डेफिनेशन से बाहर हो गई मूवेबल पर्सनल एसेट से, तो वो कहां चली गई? कैपिटल एसेट। तो याद रहेगा सबको। तो देखिए गवर्नमेंट कितनी चालाक है, क्या बोलती है? मूवेबल पर्सनल एसेट, ठीक है, दैट इज एसेट हेल्प फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। एसेट हेल्प फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली डिपेंडेंट ऑन हिम। एसेट पर्सनल यूज किया गया है एसएससी के द्वारा और कोई फैमिली मेंबर के द्वारा, ठीक है। यानी अगर हम खुद पर्सनल एसेट को यूज करते हैं या फिर मेरे फैमिली मेंबर यूज करते हैं पर्सनल यूज है, तो हम उसे पर्सनल एसेट ही कहेंगे, ठीक है। यानी हम खुद अगर यूज करते हैं या मेरे ऊपर जो भी डिपेंडेंट है वो उन्हें यूज करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पर्सनल एफेक्ट कहलाएगा। हाउएवर द फॉलोइंग एसेट्स शैल नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल एफेक्ट, दो दीज आर एसेट्स आर मूवेबल एंड मे बी हेल्प फॉर पर्सनल यूज। क्या कहता है? कहता है नीचे दिए गए एसेट पर्सनल एफेक्ट की तरह ट्रीट नहीं होंगे, जबकि ये मूवेबल भी है और पर्सनल यूज भी होता है। अब हम आपको बताएं कुछ चीजें ऐसी है जो मूवेबल है, आप पर्सनली यूज करते हैं फिर भी महंगे में बिक सकती है। नंबर वन ज्वेलरी। एक बात बताइए, ज्वेलरी आप पर्सनली यूज करते हैं, मूवेबल है, क्या महंगे में बिक सकती है? आपने गोल्ड रिंग खरीदी थी 10,000 रुपए की, वो 20,000 रुपए की बिकने को तैयार है, पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, सोने का भाव बढ़ गया है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कुछ चीजें पर्सनली यूज करते हैं आप, मूवेबल भी है तो भी पर्सनल इफेक्ट नहीं मानेंगे। अब उसकी लिस्ट देखिए, ए ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी क्या है? कैपिटल एसेट है, पर्सनल एफेक्ट की डेफिनेशन से बाहर, यानी ये क्या है? कैपिटल एसेट है ज्वेलरी। देखिए यही चीज है जो महंगी बिक सकती है। अब वो हर वो चीज जो मूवेबल है और आप पर्सनली यूज करते हो महंगे में बिक सकती है, पता है वो सब डेफिनेशन से बाहर कर दिया है, ठीक है। ज्वेलरी बिक सकती है। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, व्हाट इज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन? आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन में मतलब आइटम ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन, आपके पास कुछ हरप्पन सिविलाइजेशन का आइटम पड़ा है, ठीक है, आपने क्या कर रखा है? उसे अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा है शो पीस की तरह, क्या वो महंगे में बिक सकता है? हाँ, आपने 1 लाख रुपए का खरीदा था आज से 10 साल पहले, आज 10 लाख रुपए का बिक सकता है। तो गवर्नमेंट कह रही है वो मूवेबल भी है, आप उसे पर्सनली यूज भी करते हैं, लेकिन स्टिल वो उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल एसेट, उसे पर्सनल इफेक्ट नहीं कहेंगे। ड्रॉइंग, देन पेंटिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड पेंटिंग? व्हाट इज ड्राइंग एंड व्हाट इज पेंटिंग? इफ यू आर यूजिंग कलर देन इट इज कॉल्ड पेंटिंग, एंड इफ यू आर नॉट यूजिंग कलर देन इट इज कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है। आपके पास ड्राइंग है, पेंटिंग है, किसकी? एक पॉपुलर आर्टिस्ट की, आपकी अपनी कलाकारी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, कि आपने रंगा पोता टांग दिया अपनी ड्राइंग में, तो वो हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल एसेट है, वो पर्सनल इफेक्ट ही है आपका, ठीक है। ये ड्राइंग पेंटिंग किसकी बात हो रही है? एक फेमस आर्टिस्ट की, ठीक है, एक फेमस आर्टिस्ट की आपके पास ड्राइंग है, पेंटिंग है, क्या ये महंगे में बिक सकती है? यस पॉसिबल है कि जितने में आपने खरीदा उसे महंगे में बिक रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि ये पेंटिंग अगर आपकी ड्राइंग रूम में लगी हुई थी तो वो पर्सनली आप यूज कर रहे थे, लेकिन स्टिल क्या बोलेंगे उसे? कैपिटल एसेट। स्कल्पचर्स, व्हाट इज स्कल्पचर्स? नकाशीदार काम, स्टोन में, वुड में अगर आप कोई भी कार्विंग कर देते हैं, कार्विंग का मतलब नकाशी, ठीक है, अगर आप वुड में, स्टोन में कोई भी कार्विंग का काम कर देते हैं तो उसे कहा जाता है स्कल्पचर्स, ठीक है। क्या ये महंगे में बिक सकता है? हाँ, मेरे पास पत्थर में, लकड़ियों में नकाशी वाला काम है, ठीक है, अब तो देखने को भी नहीं मिलता, पहले के जमाने में नकाशियों के काम होते थे, राजा का पूरा महल किससे बना होता था? नकाशी से, ठीक है, एक एक पिलर, एक एक कॉलम्स जो गए हुए हैं उन सब पे भी क्या है? खूब सारी नकाशी बनी हुई है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कुछ नकाशीदार काम है पत्थर पे या फिर वुड पे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आज महंगे में बिक जाए?
बिल्कुल पॉसिबल है कि ये महंगे में बिक जाए। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप इसे पर्सनली यूज करते हैं तो भी हम इसे कैपिटल एसेट कहेंगे। और लास्टली कहती है गवर्नमेंट, एनी वर्क ऑफ आर्ट, कलाकारी की कोई भी चीज, कलाकारी की कोई भी चीज है तो वो क्या है? कैपिटल एसेट, राइट। तो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट आपने पढ़ा, मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, जिसमें से ये दो चीजें गायब हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग, और फिर कुछ चीजें और गायब होंगी, क्या क्या? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। याद रहेगा सबको, पॉइंट नंबर वन में था कि बिजनेस के, बिजनेस का सिर्फ इन्वेंट्री जो होता है वो क्या होता है? कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर। इसका मतलब ये हो गया, ऑल अदर बिजनेस एसेट, बिजनेस की बाकी सभी एसेट क्या हैं? आर कैपिटल एसेट। बिजनेस की बाकी सभी एसेट कैपिटल एसेट है, इन्वेंट्री को छोड़ के, ठीक है। और आप जिन चीजों को पर्सनली यूज करते हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आप जो पर्सनली यूज करते हैं वो कैपिटल एसेट है, क्या क्या? लैंड एंड बिल्डिंग, फिर उसके बाद ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। ठीक है यहां तक? नोट देखिएगा उसके बाद, नोट नंबर वन, द हाउस प्रॉपर्टी इन विच द एसेसी लिव्स is used by him for personal purposes, but it will not be personal effect as it is an immovable property. Clear है बात सबको? जिस house में आप रहते हैं उसे आप personally use करते हैं, फिर भी हम उसे personal effect नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो immovable है। Personal effect किसे हम बोल रहे थे? Movable personal effect, ठीक है। Jewelry includes, अब jewelry का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है jewelry का? गोल्ड रिंग आपके पास है, गोल्ड चेन आपके पास है, इज इट ज्वेलरी? यस, दिस इज ज्वेलरी। आइए, आपके घर में जो डाइनिंग टेबल है ये क्या है? पर्सनल इफेक्ट है या कैपिटल एसेट है? पर्सनल इफेक्ट है, ठीक है। आपके पास गोल्ड रिंग है, ये क्या है? कैपिटल एसेट है बोलिए, ठीक है। ये बताइए, आपके पास जो डाइनिंग टेबल है उसके चारों कॉर्नर पे गोल्ड की एक एक बॉल लगी हुई है, सोने की बॉल आपने लगा रखी है, ठीक है। ऐसा आपका डाइनिंग टेबल है। अब वो डाइनिंग टेबल क्या है? पर्सनल इफेक्ट है या फिर कैपिटल एसेट है? अभी तो आपने इसके पहले डाइनिंग टेबल को क्या बोला था? पर्सनल इफेक्ट। अब हम कह रहे हैं कि वो लकड़ी का तो है, लेकिन उसमें सोने की बॉल आपने गाड़ दी है, चारों तरफ एकदम लगा दिया है, अब वो क्या है? अब वो ज्वेलरी है। गवर्नमेंट ये कहती है, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऑल दीज आइटम्स। किसी भी चीज में आपने इसका इस्तेमाल किया तो वो ज्वेलरी है। क्लियर बात? सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, ये सब भी क्या है? वो भी ज्वेलरी है। उसे आप ये नहीं कहेंगे ये तो बर्तन है जिसमें हम खाना खाते हैं, पर्सनल इफेक्ट है, ठीक है। उसे भी क्या कहा जाएगा? ज्वेलरी। तो ज्वेलरी की एक वाइडर डेफिनेशन दी गई है। ज्वेलरी का मतलब गवर्नमेंट कहती है कि ज्वेलरी का मतलब सिर्फ वो आइटम नहीं है जिसे आप पर्सनली यूज करते हो बाय वे ऑफ वेयरिंग इट। वो क्या चीजें हो सकती हैं? वो हो सकता है किसी फर्नीचर में लगा है, हो सकता है वो बर्तन है, हो सकता है वो कपड़े में आपके लगा हुआ है, ठीक है। गोल्ड वगैरह का वर्क आपके कपड़ों में किया हुआ है तो कह रहा है वो कपड़ा फिर कपड़ा नहीं है। फिर उसको ये मत बोलिए ये मेरा कोट है या ये मेरी साड़ी है, उसे क्या बोलिए? ये भी ज्वेलरी है। और उसे हम पर्सनल इफेक्ट नहीं बोलेंगे, उसे हम कैपिटल एसेट बोलेंगे। अगर किसी साड़ी में सोने का काम किया हुआ होगा तो वो साड़ी पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी? कैपिटल एसेट, क्योंकि वो ज्वेलरी कहलाएगी। अब क्योंकि गवर्नमेंट जानती है अब ये साड़ी महंगे में बिक सकती है कि नहीं, बिक सकती है, सोने का भाव बढ़ेगा तो वो महंगे में बिकेगी। ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर प्रीवियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीवियस मेटल। एलॉय का मतलब क्या होता है? कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड विच इज मेड ऑफ मोर देन वन मेटल्स, ठीक है। वेदर आर नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन
उसमें कुछ प्रीशियस स्टोन है या फिर नहीं है, मतलब नीलम पन्ना ये सब कुछ भी क्या है जो महंगे पत्थर आते हैं, वो भी क्या है, ज्वेलरी है। ठीक है, एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और नॉट वर्क और सीन इन टू एनी वियरिंग एप्रल, किसी कपड़े में वो लगा हुआ है या फिर लगा हुआ नहीं है, वो ज्वेलरी है। बी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, कहता है ज्वेलरी का मतलब सिर्फ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम, बाकी प्रीशियस मेटल ही नहीं होते, पत्थर भी होते हैं महंगे वाले। ठीक है, महंगे वाले पत्थर मतलब वही सब जो अभी बता रहे थे आपको, नीलम पन्ना ये सारी चीजें। ठीक है, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, किसी फर्नीचर में लगा है या नहीं लगा है, यूटेंसिल में लगा है या नहीं लगा है, और एनी अदर आर्टिकल और वर्ड अस्यूम इनटू एनी बियरिंग एप्रल। ठीक है, इतनी बात। तो बताइए ज्वेलरी का डेफिनेशन कुल मिला के क्या हो गया, ज्वेलरी की डेफिनेशन हो गई एनीथिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम और एनी प्रीशियस मेटल और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स। बताइए मार्बल की कोई चीज बनी हुई है वो ज्वेलरी है कि नहीं है, मार्बल की कोई चीज बनी हुई है, ग्रेनाइट की कोई चीज बनी हुई है वो ज्वेलरी है कि नहीं है। मार्बल ग्रेनाइट की बात नहीं कर रहे हैं जिससे घर की फ्लोरिंग होती है। ठीक है, ये कौन से पत्थर की बात हो रही है, नीलम पन्ना वो सारी चीजें जो आप ज्वेलरी की तरह यूज करते हैं। ठीक है, ये बात। आगे देखिएगा, पॉइंट नंबर थ्री है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया, व्हाट इज रूरल, गांव। ठीक है, गांव की खेती वाली जो जमीन है वो कैपिटल एसेट नहीं होती। तो बेसिकली ये तो इंकरेजमेंट है, पता है किसको, एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को। ठीक है, कि खेती वाली जमीन जो है वो कैपिटल एसेट नहीं है, यानी वो फार्मर जो है खेती वाली जमीन बेचेंगे तो उनको कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। लेकिन कहां की खेती वाली जमीन, गांव की खेती वाली जमीन। ठीक है, बेसिकली शहर की खेती वाली जमीन गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है, क्योंकि शहर में खेती की जमीन होती ही नहीं है। अगर शहर में हम खेती की जमीन बोल रहे हैं ना तो प्लानिंग कर रहे होंगे। देखिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि अगर शहर की खेती वाली जमीन बोल देंगे तो राज अग्रवाल क्या करेंगे, शहर में एक जमीन खरीदेंगे, कुछ दिन उसमें टमाटर उगाएंगे, बोलेंगे ये शहर में खेती वाली जमीन थी, और फिर 1 करोड़ की जमीन खरीद के 5 करोड़ रुपए में बेच देंगे और 4 करोड़ रुपए कैपिटल गेन पे टैक्स भी नहीं देंगे। आ रही है बात समझ में? तो गवर्नमेंट इसीलिए क्या बोल रही है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, गांव की खेती वाली जमीन। इन अदर वर्ड्स इट मस्ट नॉट बी एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं होना चाहिए, शहर की खेती वाली जमीन नहीं होनी चाहिए। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स एन एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया प्रोवाइडेड इट इज नॉट सिचुएटेड इन, कह रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया वो एग्रीकल्चर लैंड है जो कि नीचे दिए गए जगह पे सिचुएटेड नहीं है, ए और बी में सिचुएटेड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी को कौन सी जमीन बोल रही है गवर्नमेंट, कह रहा है रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया प्रोवाइडेड इट इज नॉट सिचुएटेड इन ए एंड बी। रूरल एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड है जो इंडिया में है लेकिन ए और बी में सिचुएटेड नहीं है, मतलब ए और बी में क्या है, अर्बन लैंड है। वो ये बताना चाह रहा है ए और बी में हम अर्बन लैंड की बात कर रहे हैं, यानी ए और बी पॉइंट कैपिटल एसेट है या नॉट अ कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है। ए एंड बी अर्बन लैंड हो गया तो वो कैपिटल एसेट बन गई। ठीक है, इतनी बात। एनी एरिया विच इज कंप्राइज विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। अब आपको हम बता दें शहर में म्युनिसिपैलिटी होती है और गांव में ग्राम पंचायत होता है। शहर में म्युनिसिपैलिटी होती है और गांव में ग्राम पंचायत होता है। पता है म्युनिसिपैलिटी कहां पे होती है, जिस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा होती है वहीं पे म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है। ठीक है, यानी ये इनकम टैक्स ने कोई खास बात नहीं कही है, ये 10,000 और मोर वाली पॉपुलेशन पे हम फोकस नहीं कर रहे। रीजन बीइंग कि जहां पे 10,000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन होती है वहीं पे क्या बनती है, म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो कहता है एनी एरिया विच इज कंप्राइज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी का उस एरिया के नगर निगम का जो भी सरकमफेरेंस है, ठीक है,
अब बता दीजिए नगर निगम का जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या होता है? शहर होता है, ठीक है। तो एनी एरिया विच इज कंप्लाइज विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर नीड नॉट बी फोकस्ड, क्योंकि पक्का उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा होगी, क्योंकि अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा ना होती तो वहां म्युनिसिपैलिटी होती ही नहीं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि गांव की जमीन क्या होती है, गांव की जमीन क्या होती है, वो होती है जो ये नहीं होती है, ठीक है। क्या नहीं होती है? म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर, म्युनिसिपैलिटी के सरकमफेरेंस में जो एरिया आता है वो गांव की जमीन नहीं होती है, वो शहर होता है, ठीक है। फिर एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। अब कहता है कुछ दूर तक हम और नापेंगे हवा में और उसको भी हम शहर बोलेंगे। क्या कहना चाहता है? कह रहा है इतना क्या है? शहर है, ये म्युनिसिपैलिटी वाला सरकमफेरेंस है, ये तो शहर है। अब इसकी जो बाउंड्री है ना, इससे कुछ दूर तक और हम नापेंगे हवा में और उसको भी हम क्या बोलेंगे? शहर। नहीं तो पता है क्या होता, जैसे ये शहर की बाउंड्री है तो बाउंड्री पे लगा ही हम जमीन खरीद लेते और कहते हम तो गांव में जमीन खरीद ली है, ठीक है, खेती वाली गांव की जमीन है, और हम क्या करते कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट करा लेते। गवर्नमेंट कह रही है शहर से कुछ दूर तक हम और क्या बोलेंगे? शहर ही बोलेंगे। यानी बनारस का, वाराणसी का जो आउटर सर्कमफेरेंस है उसके बाउंड्री पे जाके आप जमीन खरीद लोगे तो भी बचोगे नहीं, वो भी शहर की जमीन कहलाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है कुछ दूर और तक हम क्या बोलते हैं? शहर बोलेंगे। आ रही बात समझ में? हालांकि नगर निगम के हिसाब से तो शहर क्या है? बस वाराणसी की जो आउटर लिमिट है, लेकिन कैपिटल गेन के लिए शहर बस उतना ही नहीं है, थोड़ा और दूर तक शहर, ठीक है ये बात। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कितनी दूर तक शहर है। चलिए देखिए क्या बोलता है, एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मोर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1,00,000। क्या कहता है? कहता है ये मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी का आउटर बाउंड्री है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? ये शहर है, ठीक है। अगर इसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तभी तो म्युनिसिपैलिटी बनी होगी, लेकिन 1,00,000 से कम है, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग 1,00,000 का मतलब है अप टू 1,00,000 पॉपुलेशन है अगर, तो क्या होगा? कहता है इससे हम 2 किलोमीटर दूर तक हवा में नापेंगे और एक बाउंड्री और बनाएंगे। कह रहा है इसके अंदर भी जो लोग आएंगे वो भी क्या है? ये शहर वाला एरिया है। आ गई समझ में बात? मेजर्ड एरियली, हवा में नापने पे। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा, आप यहां से निकल रहे हो, यहां से गली है, ठीक है, गली से घूमते 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 यहां पे आप पहुंच गए, पता है 12 किलोमीटर हो जा रहा है, ठीक है, तो आप शहर में है कि गांव में है? शहर में ही है। सबको इतनी बात समझ में आ रहा है? 2 किलोमीटर कैसे नापा जाएगा? एरियली, हवा में नापा जाएगा, राइट। आइए आगे देखिए, मोर देन 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ, म्युनिसिपैलिटी को कैंटोनमेंट बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड मतलब छावनी, ठीक है, तो कुछ जगह पे म्युनिसिपैलिटी बोला जाता है, कुछ जगह पे कैंटोनमेंट बोर्ड बोला जाता है, ये टर्मिनोलॉजी है, किसी जगह पे कुछ यूज होती है, किसी जगह पे कुछ यूज होती है। तो मोर देन 6 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी और कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1,00,000 बट नॉट एक्सीडिंग 10,00,000। अगर पॉपुलेशन 1,00,000 से ज्यादा और 10,00,000 तक है, यहां कह रहा है अप टू 1,00,000 पॉपुलेशन नहीं है, 1,00,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है शहर की, ग्रेटर 1,00,000 एंड अप टू 10,00,000 है। एक बात बताइए, ये वाला शहर बड़ा है या ये वाला शहर बड़ा है? ये इसका नाम है सिटी ए, इसका नाम है सिटी बी, कौन सा बड़ा सिटी है? कौन सा बड़ा शहर लग रहा है आपको?
बी बड़ा शहर होगा, उसकी पॉपुलेशन कितनी बोल रहा है, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक। और पहले ए में क्या बोल रहे थे, पॉपुलेशन 1 लाख तक, ठीक है। कह रहा है अगर बड़ा शहर है उससे तो सिर्फ 2 किलोमीटर तक नहीं, 6 किलोमीटर तक नापेंगे एरिया। कह रहा है यहां से लेके 6 किलोमीटर तक नापेंगे, पहले कितना नाप रहे थे छोटे शहर में, 2 किलोमीटर तक। अब आप ऐसे समझिए गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है, कह रही है छोटा शहर है 2 किलोमीटर दूर तक शहर मानेंगे, उससे बड़ा शहर है 6 किलोमीटर दूर तक शहर नापेंगे। और ये भी कैसे नाप रहे हैं, एरियल। इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी अर्बन लैंड ही बोलेंगे, दिस इज ऑल्सो अर्बन लैंड। हालांकि म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से ये कहां चला गया, गांव में चला गया, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की लिमिट तो कितनी है, बस यहीं तक है, ठीक है ना, बिकॉज म्युनिसिपैलिटी की लिमिट बस यहीं तक थी, एंड देयरफॉर इसके बाहर गांव कहलाता है, लेकिन इनकम टैक्स की डेफिनेशन में ये भी क्या है, अर्बन लैंड। अच्छा फिर क्या कहता है, मोर देन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्युनिसिपैलिटी ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड हैविंग अ पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख, पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है। अब बताइए ग्रेटर 10 लाख पॉपुलेशन है, शहर और बड़ा है कि छोटा है, और बड़ा शहर है, 10 लाख की पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन है। तो कहता है इतने बड़े शहर में 8 किलोमीटर दूर तक हम क्या बोलेंगे, शहर बोलेंगे, हवा में 8 किलोमीटर तक नापेंगे और वो भी शहर कहेंगे, ये भी अर्बन लैंड है। तो देखिए ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ याद कीजिए, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ठीक है, लेकिन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है, अर्बन लैंड क्या होता है, ये याद करना पड़ेगा। अर्बन लैंड क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी के लिमिट वाला अर्बन लैंड है। अगर पॉपुलेशन 1 लाख तक है तो 2 किलोमीटर दूर तक भी अर्बन लैंड है, पॉपुलेशन अगर 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक है तो 6 किलोमीटर दूर तक क्या है, अर्बन। और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो 8 किलोमीटर दूर तक भी क्या है, अर्बन, ठीक है। यानी बस सटे बाउंड्री से आप कोई बिल्डिंग जगह ले लेते हो, लैंड ले लेते हो, तो आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। चलिए स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट ने कुछ गोल्ड बॉन्ड निकाले हुए हैं, 2 गोल्ड बॉन्ड हैं, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, एक है 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और तीसरा है नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। ये जो सीएस होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, बॉन्ड होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कैपिटल एसेट, ये भी प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट ही है। लेकिन 3 गोल्ड बॉन्ड कह रहा है कि ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, कौन कौन से, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980। अब ये सब बहुत पुराने बॉन्ड है और मोटा मोटी सभी के रिडीम हो चुके हैं, ये बॉन्ड मार्केट में है नहीं, ठीक है। तो बहुत रेयर चांसेस है कि ये आपको देखने को मिले, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से ये 3 बॉन्ड बाहर है, ठीक है। नाम याद रहेगा, 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 8% गोल्ड बॉन्ड 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, राइट। स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड 1991 में निकाला था जिसका नाम था स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, ये भी याद कीजिए, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, दिस नॉट अ कैपिटल एसेट, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये दोनों अब मार्केट में नहीं है, मोटा मोटी ये मार्केट में है ही नहीं। आइए नेक्स्ट देखिएगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, ये 1999 का गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड है जो आज भी मार्केट में लोगों के पास है, सबका रिडीम नहीं हुआ है, आज भी मार्केट में लोगों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इसके बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, इसके रिडीम होने की बात कर रहे हैं। कैपिटल गेन कब अराइज होता है, जब ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो लोगों के पास ये बॉन्ड पड़ा है, कभी ना कभी ट्रांसफर करेंगे, और जब ट्रांसफर करेंगे तो क्या कैपिटल गेन अराइज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है ही नहीं, ठीक है। कौन सा बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999, ठीक है। हालांकि आज अगर आप ये बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो मिलेगा नहीं,
इसकी बिक्री बंद हो गई है। कब से बंद हुई है? जब गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट शुरू कर दिया था 2015 में। किस दिन शुरू किया था वो भी बता दें आपको, 5th नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को मोदी जी ने स्टार्ट किया गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट, और ये वाली स्कीम बंद हो गई। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999 बंद हो गया है, अब आप ये खरीद नहीं सकते। ठीक है, पहले आपको बताते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या था, और जो नई वाली स्कीम मोदी जी ने लाई है गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, ये क्या है, इन दोनों के बारे में बताते हैं, क्योंकि मार्केट में क्या लोगों के पास ये इन्वेस्टमेंट पड़ी है, है ये वाली इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और जो पॉइंट नंबर 4 और 5 में था, ये इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 और 5 को बस आप रट लेंगे, वो नाम याद कर लीजिए, चार नाम, क्लियर है, उन चार नाम को अलग से याद कर लीजिए, बाकी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन को देखते हैं। नंबर 1 इन्वेंटरी ऑफ बिजनेस, नंबर 2 मूवेबल पर्सनल एसेट, नंबर 3 रूरल एग्रीकल्चर लैंड, नंबर 4 गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का बेसिकली मोदी जी ने एक रिप्लेसमेंट बनाया है, गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। ठीक है, व्हाट वाज दिस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999? 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक से लोन लेना था। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से कहा कि हमें लोन चाहिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने डिनाई कर दिया कि अब आपका गोल्ड रिजर्व नहीं है। ठीक है, और ऐसे केस में हम आपको लोन नहीं दे सकते, आपको अपना गोल्ड रिजर्व इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जाके हम आपको लोन दे पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उस समय एक स्कीम निकाली, और उस स्कीम का नाम था गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट ने पब्लिक से क्या बोला, गवर्नमेंट पब्लिक से कहती है कि आपके पास कुछ गोल्ड ऐसे घर में पड़े हुए जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, आपके पास ज्वेलरी पड़े हुए हैं, वो पुराने कंगन पड़े हुए हैं, ठीक है, वो पुराने हार पड़े हुए हैं जो सास ने इसलिए रखा है कि जब मेरी बहू आएगी तो हम उसे दे देंगे। बहू कहती है हम भी कभी सास बनेंगे तो जो मेरी बहू आएगी उसे हम दे देंगे। आप सास बहू के चक्कर में, उस खेल के चक्कर में एक ज्वेलरी अपने घर में रखे हुए जो आपको कुछ नहीं दे रही है, ना आपको उसे पहनना है, ना आपको उससे कोई बेनिफिट अर्न करना है। गवर्नमेंट कहती है आप एक काम करो, वो ज्वेलरी हमें दे दो, अगर वो ज्वेलरी आप हमें दे दोगे तो जितनी उसकी मार्केट वैल्यू उतने रुपए का हम आपको बॉन्ड पकड़ा देंगे, जिसका नाम क्या होगा, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। और उस बॉन्ड पे फिर फर्दर हम आपको पता है क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे हर साल। और तो और सबसे अच्छी बात कि गोल्ड क्या होता है, गोल्ड की ज्वेलरी जो आपके पास पड़ी है वो कैपिटल एसेट होती है, जब भी आप बेचोगे उसे तो कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। बड़ी सुंदर बात यहां पे ये होगी कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बेचना कैपिटल गेन भी नहीं होगा। और इस गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड के भाव बढ़ेंगे, जैसे जैसे गोल्ड के भाव बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड के भाव भी बढ़ेंगे। आज जो आप गवर्नमेंट को ज्वेलरी दे रहे हो 10 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू की, तो बॉन्ड कितने का मिलेगा, 10 लाख। ज्वेलरी का मार्केट में भाव 12 लाख हो जाएगा तो बॉन्ड का भाव भी कितना हो जाएगा, 12 लाख। बॉन्ड जब 12 लाख में बेचोगे तो 2 लाख रुपए कैपिटल गेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बॉन्ड कैपिटल एसेट ही नहीं है। और ज्वेलरी वही 10 लाख की 12 लाख में बेचे होते तो कैपिटल गेन हो जाता। तो गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बड़ा अट्रैक्टिव बनाया कि लोगों को बहुत अच्छा लगे कि हम बॉन्ड बेच देंगे कभी भी तो हमें गेन नहीं होगा, और साथ ही साथ हर साल बैठे बैठा इंटरेस्ट आएगा, जो ज्वेलरी मेरे घर में पड़ी है उस पर तो इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। और तो और गवर्नमेंट इसको सुपर अट्रैक्टिव बनाती है, कहती है जब कभी भी तुमको सास बहू का खेल खेलना हो ये ज्वेलरी वापस मांग लेना, बॉन्ड देना, ज्वेलरी वापस ले लेना। अब बताइए क्या चाहिए, जब ज्वेलरी चाहेंगे ज्वेलरी वापस मिल जाएगी, ज्वेलरी बेचने का मन होगा तो ज्वेलरी मत बेचना, बॉन्ड ही बेच देना उठा के, और हर साल के साल इंटरेस्ट लीजिए। बताइए लोगों ने अपने गोल्ड ज्वेलरी वगैरह उठा के गवर्नमेंट को दी होगी कि नहीं दी होगी 1999 में? हाँ दी, लोगों ने, ये स्कीम बहुत ही पॉपुलर हुई, लोगों ने दिया, और ये स्कीम 1999 में शुरू हुई थी और चलती रही ये स्कीम, मतलब बाद में भी लोगों ने दिया है। ठीक है, ये स्कीम अभी तक चल रही थी। कब तक चल रही थी? 5 नवंबर 2015 तक ये स्कीम लागू थी। ठीक है, आइए 5 नवंबर 2015 पे मोदी जी ने एक नई स्कीम लागू की जिसका नाम है गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट। और ये क्या स्कीम है, बेसिकली मोदी जी ने इस स्कीम को एडवर्टाइज भी खुद ही किया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू गोल्ड, आप गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोग गोल्ड की बिस्किट वगैरह खरीदते हैं,
ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि आप गोल्ड बिस्किट वगैरह मत कर दीजिए, गोल्ड सर्टिफिकेट्स खरीदिए। बेसिकली मोदी जी का टोटल ऑब्जेक्टिव जो हमेशा से रहा है टू कर्ब ब्लैक मनी, ठीक है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई गोल्ड बिस्किट वगैरह तो लोग क्या करते हैं, कैश में पैसा देते हैं और खरीद लेते हैं, ऐसे भी इन्वेस्ट कर लेते हैं, हम उसे गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट खरीदवाएंगे तो सारा पैसा किसमें आएगा, बैंकिंग चैनल से आएगा, वो सर्टिफिकेट खरीदेंगे तो, और इससे क्या होगा, नंबर एक का पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट होगा। मोदी जी ने इस स्कीम को कैसे अट्रैक्टिव बनाया, उन्होंने कहा कि अगर आप गोल्ड की बिस्किट खरीदेंगे, ठीक है, तो क्या वो इंटरेस्ट देगी, पब्लिक बोल रही है नहीं, आप मेरा सर्टिफिकेट खरीद लो, गोल्ड के भाव में ही सर्टिफिकेट देंगे और इस पर हम 2.5% का इंटरेस्ट भी देंगे हर साल, कम है इंटरेस्ट लेकिन 2.5% मिल तो रहा है, गोल्ड खरीदेंगे तो थोड़ी ना कुछ मिलेगा। दूसरी बात, जब आप गोल्ड खरीदते हैं तो चोरी का डर भी लगा रहता है, छिपा के रखते हैं या फिर बैंक के लॉकर में रखते हैं तो बैंक के लॉकर का किराया देते हैं, कह सर्टिफिकेट रखिए कोई भी टेंशन नहीं है, खो जाएगा तो वापस से दूसरा सर्टिफिकेट इश्यू करा लीजिएगा, वो तो आपकी आईडी पे है, बात समझ में आ रही है, सर्टिफिकेट खोने का डर ही नहीं होगा क्योंकि कोई भी रिडीम थोड़ी ना करा पाएगा, रिडीम तो आप ही के खाते में होगा आपका सर्टिफिकेट। तो मोदी जी ने इसको अट्रैक्टिव बनाया, खुद इसको एडवर्टाइज तक किया था मोदी जी ने, 5 नवंबर 2015 को इसको लॉन्च किया था, और उन्होंने कहा देखिए हम दो चीजें कर रहे हैं, एक तो बैंक के लॉकर के खर्चे आपके बचा रहे हैं और 2.5% का इंटरेस्ट भी आपको दिला रहे हैं, ठीक है, तो यू शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट इन टू गोल्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स। और साथ ही साथ सुपर अट्रैक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने इसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर कर दिया, तो आप गोल्ड बिस्किट खरीदेंगे जब कभी भी बेचेंगे तो कैपिटल गेन अराइज होगा, सर्टिफिकेट पे कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। आई होप आपको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो ये थी छोटी सी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, ठीक है।